देवास में आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनजर नगरीय सीमा क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक देवास विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में आयोजित की। बैठक में निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, सभी नालों को एक दूसरे से जोड़ने, कंट्रोल रूम बनाने सहित अन्य निर्देश दिए गए। आयुक्त श्री चौहान ने कहा कि बारिश के दौरान नालों में जल का जमाव ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। नालों का कूड़ा कचरा साफ करवाएं। आयुक्त ने निगम सहायक यंत्री सौरभ त्रिपाठी को बिलावली के नाले को साफ करवाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को बारिश के पूर्व सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के आचार्य को बारिश के पूर्व सभी नालों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए निर्देश दिए, साथ ही सभी नालों के होल्स खुलवाने के लिए भी कहा। आयुक्त चौहान ने कहा कि बारिश के दौरान तेज हवा चलने से कई बार सड़कों पर पेड़ गिर जाते हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध होता है। मार्ग पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए टीम तैयार की जाए, ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा बारिश के समय कंट्रोल रूम बनाया जाए, इसमें बारिश के दौरान पल पल का अपडेट होना चाहिए। कंट्रोल रूम से जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर समस्या का निराकरण करेंगे। आयुक्त चौहान ने होमगार्ड विभाग को वर्षा पूर्व एवं बाद की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी के सामने ब्रिज का निर्माण चल रहा है, बारिश के दौरान यहां से निकलने वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।